हेलो सीफेरर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शुभांशु एंड यू आर वाचिंग कप्तान चौहान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा STCW सर्टिफिकेशन CDC वर्सेस जॉब के बारे में। आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है कि STCW सर्टिफिकेशंस करें या ना करें। हर Q&A में एक ही सवाल होता है, STCW करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी, जॉब के लिए क्या करें, शिपिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, STCW करने का क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपकी सारी क्वेरी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, STCW सर्टिफिकेशन स्टार्टिंग से ही, जब से शिपिंग स्टार्ट हुई है, मैंडेटरी था, बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। बट ये एक तरीके का फाउंडेशन कोर्स टाइप था, मतलब एक कंपल्सरी कोर्स था। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी कोर्स, एनी प्रीसी ट्रेनिंग, तो उसके साथ आपको कंपनी, जो जितने भी कॉलेजेस हैं, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है, वो सभी आपको STCW सर्टिफिकेशन करा के देती थी। एंड जब आपका प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता था, प्रीसी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद व्हेन यू क्वालिफाई दी एग्जाम्स, तो आपको CDC मिलती थी। उस प्रीसी कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक डिसाइड होती थी एंड उस रैंक के साथ उस CDC पे आपके बेसिक 5 या बेसिक 4 STCW सर्टिफिकेशन के नंबर मेंशन होते थे। अब स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट्स के बारे में एक वीडियो है, ऑलरेडी मैं आई बटन में दे दूंगा, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे है, यहाँ पे होगा, मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना कि क्या होता है। उसमें बेसिक कोर्सेज होते हैं, लाइक आपके एलिमेंट्री फर्स्ट एड हो गया, सर्वाइवल टेक्निक्स हो गई, तो इन सब से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं सर्वाइव करने के लिए, जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक चीज़ें हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, वो सभी आपके कोर्स के साथ साथ, आपकी प्रीसी ट्रेनिंग के साथ साथ, ये वाले चार कोर्स, अब 5 हो गए हैं, STS DSD भी मेंशन कर दिया है, ये कोर्सेज कंपलसरी थे। तो एक महीने के कोर्स होते थे प्रीसी ट्रेनिंग के अंदर ही, उसी ड्यूरेशन में, अगर आपका 11th month 12th month का प्रीसी ट्रेनिंग है तो उसी के ड्यूरेशन में एक महीना इसके लिए निकल जाता था। आपको CDC मिल जाती थी, कंपनी स्पॉन्सर्ड होते थे, आपको कंपनीज ले लेती थी एंड आपकी जॉब लग जाती थी। अब हुआ क्या, जितने भी लोग रेडिंग के लिए जाते हैं, दैट इज जो हेल्पिंग हैंड होते हैं, जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं, जो मैं कहूँ कि जूनियर मोस्ट रैंक होती है, जूनियर मोस्ट रैंक मतलब शिप की क्लीनिंग वगैरह एंड बाकी सारे जितने भी काम होते हैं, मेंटेनेंस का, ये सब जितने भी काम होते हैं, उनके लिए रेटिंग होता है जो 10th pass होता है। एंड अब आप समझ गए होंगे 10th pass होता है तो क्या होता है, 10th pass करने के बाद कैसी जॉब लगती है। तो काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हवा बना हुआ था, मतलब 10th pass इन मर्चेंट नेवी, 8th pass इन मर्चेंट नेवी, ये सब जो 8th pass एंड ये सब है, ये सब वो सारे इंस्टीट्यूट थे जो DG अप्रूव नहीं होते या फिर दूसरी CDCs देते हैं। इंडियन CDC में क्या होता था, GP रेटिंग एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट इज जनरल पर्पज रेटिंग। उसका काम केवल यही था कि वो लोग ऐसे रेटिंग शिप पे काम करेंगे, धीरे धीरे जूनियर रैंक पोस्ट पे ही अपग्रेड होंगे। एंड ये दोनों साइड था, न्यूटिकल डिपार्टमेंट में भी जो नेविगेशन करते हैं शिप पे, एंड जो इंजन डिपार्टमेंट में होते हैं, जो इंजन की देखभाल करते हैं उसमें भी, क्योंकि क्लीनिंग वहाँ भी करनी है, क्लीनिंग यहाँ भी करनी है। अब केवल काम क्लीनिंग का नहीं था, बाकी भी ऑफिसर्स को जितना भी आपको हेल्प करना होता है वो सभी काम भी इनके होते हैं। सो हुआ क्या, इस कोर्स में 2 कमियां थी। एक कमियां तो ये थी कि 6 महीने का कोर्स होने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती थी, बिकॉज कंपनी कोई भी आपको स्पॉन्सर नहीं करती थी, आप यहाँ वहाँ से एजेंट्स फैले हुए हैं हर जगह, वो आपको नई नई, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, कोई भी आपको क्लियर नहीं बताएंगे कुछ भी, आपको केवल अच्छी अच्छी चीज़ें गिनवाएंगे, आपको सैलरी गिनवा देंगे, ये सब, मतलब ये सारी चीज़ें बना के आपको बता देंगे एंड आप एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या थी इस कोर्स में, गलत चीज़ ये थी कि जॉब नहीं मिलेगी, एंड जॉब अगर मिलेगी तो वो एजेंट के थ्रू मिलेगी, मतलब कंपनी आपको डायरेक्टली लेगी नहीं, जबकि कंपनी को आपकी ज़रूरत है एंड कंपनी लेगी एजेंट्स के थ्रू एंड एजेंट्स आपसे चार्ज करेंगे लैक्स में। अब हुआ क्या, लास्ट ईयर 2000, इन द बिगिनिंग ऑफ 2018, डीजी शिपिंग ने, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं कहूँ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मैं कहूँ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उन्होंने एक ये ऑर्डर किया कि वो लोग जो जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उन लोगों को कोर्स करने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं कहूँ जो बेसिक नेसेसिटी है शिप पे जाने के लिए, दैट इज दैट CDC, यू रिक्वायर्ड दैट CDC, तो उस CDC के लिए केवल आप 5 सर्टिफिकेट करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग के, जिसमें ये सभी कोर्सेज मेंशन होते हैं, एलिमेंट्री फर्स्ट एड, पर्सनल सेफ्टी एंड सर्वाइवल टेक्निक्स,
एंड एसटीएस डीएसडी, ये सभी ऐसे करके 5 कोर्सेज होते हैं। एंड वो कोर्सेज करने के बाद आपको सीडीसी मिल जाएगी एंड आप ऑन बोर्डशिप काम कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या हुई, कुछ लोगों ने इस चीज को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू ज्वाइन द शिप, बट ये सभी अफवाह है, सभी गलत है। आप खाली स्ट्रगल करने में रह जाएंगे, खाली 3-4 साल आपका मनी एंड आपके टाइम आप अपना दोनों वेस्ट करेंगे। मैं बताता हूं क्यों। इस कोर्स में, ये बेसिक कोर्स है 5 कोर्स, कंपनीज इसके बेसिस पे, कोई भी आदमी इसके बेसिस पे आपको ना तो इंजीनियर बना सकता ना आपको डॉक्टर बना सकता। मतलब मैं अगर कहूँ आपको कि आप कल 10th पास कर लो एंड 10th पास करने के बाद इंजेक्शन लगाना सीख लो और आप धीरे धीरे डॉक्टर्स के साथ काम करो तो आप एक दिन डॉक्टर बन जाओगे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। द सेम थिंग अप्लाइज विद द इंजीनियर्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हुआ क्या, लोगों ने अफवाह बनाई। अभी स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वॉच कीपिंग आपने कोर्स कर लिया, लेकिन जब आप जीपी रेटिंग थे तब एटलीस्ट आपने 6 महीने का प्रीसी कोर्स किया था जिसमें आपने सारी चीजें सीखी थी रिगार्डिंग नॉटिकल डिपार्टमेंट, रिगार्डिंग द इंजन डिपार्टमेंट, एवरीथिंग। उस कोर्स में सभी बेसिक चीजें मेंशन है। वहां पे आपको कारपेंटर वर्कशॉप भी होता है, आपका वेल्डिंग वर्कशॉप भी होता है, मैकेनिकल वर्कशॉप भी होता है, नॉटिकल वर्कशॉप भी होता है, सभी चीजें होती हैं। उसको छोड़ के अगर आप एज ए क्रू भी जाएंगे, केवल 5 कोर्स करने के बाद जाएंगे, तो कौन कंपनी आपको लेगी? नहीं लेगी। घूम फिर के फिर आप एजेंट के पास आएंगे। तो हुआ क्या, कुछ लोगों ने इसको ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि STCW सर्टिफिकेशन इज बेटर देन जीपी रेटिंग कोर्स बिकॉज आपके डीजी शिपिंग का जो रूल है ये एजेंट से बचने के लिए है। बट मुझे नहीं समझ में आता एजेंट से बचने के लिए कैसे है। एंड मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप मुझे बताना अगर आपको लगता है कि ये बेटर है एजेंट से बचने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है जॉब की। आप कोर्सेज तो कर लेते हो लेकिन जॉब की दिक्कत आती है, जो अल्टीमेटली आपका गोल है। तो यही क्वेश्चन होता है कि STCW वर्सेस जॉब। तो जितने लोग क्वेश्चन, और लोगों के क्वेश्चन कैसे होते हैं, लोगों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि STCW करने के बाद हम कैप्टन बन सकते हैं क्या, STCW करने के बाद हम इंजीनियर चीफ इंजीनियर बन सकते हैं क्या, STCW करने के बाद हम COC बन सकते हैं क्या। जिन लोगों को COC नहीं पता, डेट इज सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो ऑफिसर्स को मिलती है बिकॉज दे क्लियर द एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज ओरल एग्जामिनेशन। जो ऑफिसर्स कैटेगरी में जाने के लिए होते हैं, दैट इज इन द नॉटिकल डिपार्टमेंट इट स्टार्ट्स विद सेकंड मेट, इन द इंजन डिपार्टमेंट इट स्टार्ट्स विद MEO क्लास 4। फिर उसमें दो होते हैं, NCV होता है और FG होता है, दैट इज फॉरन गोइंग एंड नियर कोस्टल वेसल्स, दो होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यार आप लोग, अगर मैं आपको बता दूं कि हाँ CD है, लेकिन आप एज अ कंपनी, इतना तो आप कॉमन सेंस होगी ना आप में, आप एज अ कंपनी ये सोच के देखो कि क्या कोई कंपनी एक 10th पास को दे विल प्रमोट एज अ कैप्टन? नो, नेवर। एक 10th पास क्या क्वालिफिकेशन होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है आपको भी पता है। सो जो 10th पास का वर्क है वही आपको मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द क्राइसिस एंड बिकॉज ऑफ द मार्केट। कंपनीज के पास लोगों की इतनी ज्यादा भरमार है, उनके पास ऐसे एजेंट्स हैं जिनका फिक्स है उनका, वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ से GP रेटिंग्स को लेते हैं। अगर आप यहाँ वहाँ से कहीं से एजेंट को पैसे दे भी देते हैं, तो आपका जो करियर है, आपका जो फ्यूचर है, बहुत ही अंधेरे में हो सकता है बिकॉज वो सब कुछ उस एजेंट पे डिपेंड करता है। वो आपके कौन, आपको कौन से वेसल पे भेजता है, कितना टाइम पीरियड आपका उस वेसल पे होता है, वो वेसल कैसा है, उस वेसल पे जाने के बाद आपको सेफ्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपकी सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, तो ये सारे इश्यूज हैं। एक बार अगर आप एजेंट्स के थ्रू चले भी गए ऑनबोर्डशिप, सेकेंड टाइम आपको वो कंपनी क्यों लेगी? नहीं लेगी, बिकॉज आप एज अ OS जाएंगे एंड OS के पास उनकी कमी नहीं है। जब आप एज अ ट्रेनी जाते हैं तो आप कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, कंपनी आपको जबरदस्ती पे कर रही होती है बिकॉज यू आर ए लर्नर। आपसे कंपनी को खतरा ही होता है, रिस्क ही होता है, सेफ्टी इश्यूज ही होते हैं ऑनबोर्डशिप। लेकिन आप लोगों को अगर कंपनी नहीं सिखाएगी तो आप उन्हें जितने भी टॉप मोस्ट रैंक होती है या फिर जो जूनियर मोस्ट रैंक होती है जिनसे उन्हें काम लेना होता है लाइक AB बोस है, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो कंपनी आपको ले तो लेती है लेकिन वो उन्हीं लोगों को लेती है जिनकी उनको जरूरत है। आप एक बार चले जाएंगे तो सेकेंड टाइम आपको नहीं मिलेगा। सो वो लोग, जिन लोगों को ये बहुत सारे डाउट है, उन्हें गुमराह हो रहे हैं वो लोग कि STCW सर्टिफिकेशन करने के बाद हम COC क्लियर कर लेंगे क्या, क्लियर करने के लिए आपके पास रास्ता है। आप सी सर्विस कंप्लीट करने के बाद एग्जामिनेशन दे सकते हो, एग्जामिनेशन पास भी कर सकते हो, लेकिन सवाल यह है पास क्या आप कर पाएंगे?
इट डिपेंड्स ऑन यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज वहां पे जो सिलेबस आता है वो 12th PCM के बाद जितने लोग स्टडीज करते हैं वहां पे वो लोग DLP कैरी करते हैं, दैट इज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एंड वो सभी क्लियर करने के बाद वो वहां तक पहुंचते हैं एंड वो एक साल का PC करते हैं न्यूटिकल्स, एंड आप जाते हो केवल 10th पास होने के बाद STCW सर्टिफिकेशन करने के बाद. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. रास्ते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अल्टीमेटली करने के बाद भी आपको कंपनी के पास जॉब मांगने ही जाना है. जब कंपनी के पास जॉब मांगने जाएंगे, दे डोंट वांट एनी 10th पास टू बी अ सेकेंड ऑफिसर या टू बी अ थर्ड ऑफिसर ऑफ दैट शिप या इन देयर कंपनी. सो दिस इज द इशू. अपने आप को गुमराह मत करो, सही रास्ता चुनो, लॉफुली जाओ. मैं ये नहीं बोलता कि आप मत जाओ, एंड प्लीज अपने आप को ना गुमराह करने की जरूरत नहीं है. आपके पास स्कोप यहाँ भी है, स्कोप वहां पर भी है. कुछ लोग तो इतने गुमराह हो चुके हैं कि दे हैव डन दे इंजीनियरिंग, दे हैव डन दे BSc, सिंपल BSc, एंड दे वॉन्ट टू डू दिस STCW सर्टिफिकेशन. तो मुझे ये वीडियो इसीलिए बनानी पड़ी ताकि उन लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए. बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपका पर्सनल डिसीजन है. मेरा काम है जितनी नॉलेज मुझे है आपको गाइडेंस देने की, आपको गाइड करने की, या जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता सकता हूँ. अगर आप इंजीनियरिंग करने के बाद ये रास्ते चुनते हैं तो आपके पास और रास्ते हैं. आप अपना PC कंप्लीट करो, आप अपना GME कंप्लीट करो, कंपनी से स्पॉन्सरशिप लो, उसके बाद अपना PC ट्रेनिंग करो, एंड देन ज्वाइन एज अ जूनियर इंजीनियर ऑनरशिप इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस STCW सर्टिफिकेशन. आप सही रास्ता चुनो तो आपको सही मंजिल मिलेगी. दिस इज द थिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब, अपने कमेंट जरूर शेयर करना कि आपको STCW सर्टिफिकेशन क्या सोच के आप लोग करते हैं, एंड क्या आपके डाउट्स हैं, आपको क्या लगता है ये एजेंट से इससे बचा जा सकता है, क्या आपको डायरेक्ट जॉब मिल रही है, या जिन लोगों ने STCW सर्टिफिकेशन कर लिया है वो लोग शेयर करो, कि वो लोग आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को शेयर करो, नेक्स्ट बैच को शेयर करो कि क्या ये करना ठीक है क्या नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, एंड सेफ्टी फर्स्ट, हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब. थैंक यू.